इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात करके श्रमिकों को सुरंग से निकाले जाने के बाद उनके लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उत्तरकाशी की सिलकेरा टनल में फंसे श्रमिकों को 16 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। उत्तरकाशी के सिलकेरा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूर सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं। इन्हें चिन्याली सौंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट के देखरेख में रखा गया। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारीकी से अपनी नजरें बनाकर रखी थी। उन्होंने समय समय पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन के पल पल की जानकारी लेते रहे, साथ ही जरूरत पड़ने पर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर सीएम धामी से फोन पर बातचीत करके श्रमिकों का हाल चाल लिया। सर, मैं और मुन्ना पार्टनर हैं और बाकी 10 लड़के काम करने वाले वर्कर हैं, और ये लड़के सब जैसे हमें टारगेट दिया हुआ था, पाइप जैसे 900 का डाया था, 900 के अंदर 800 का डाया डाला हुआ था सर, उसमें अंदर घुस के लेट के जैसे हम लोग प्रोसेस है, हम इस चीज़ को बोलेंगे चूहा बोर्ड तो एक नहीं बोलते हैं, जिसमें चूहा जिस तरीके से मिट्टी पीछे फेंकता है फिर आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से सर हम काम करते हैं। सरकार ने बहुत मदद की उनकी बहुत लिए उनकी कि कैसे अंदर बहुत देखा उनको कि अंदर उनका जानकारी पूरी ली, तो उनको सहयोग दिया उन्होंने, बहुत हिम्मत दी उन्होंने, बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, और उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया उन्होंने। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर किया धन्यवाद करते हूँ कि उन्होंने उनको सब भाई लोगों को मेरे हस्बैंड को सबको बाहर निकाल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने टनल के अंदर फंसे श्रमिकों की सुविधा के लिए भरपूर प्रयास किया कि उनको किसी तरह की परेशानी न हो। श्रमिकों के टनल से बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों से फोन पर बातचीत की और कहा कि सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि इतने संकट के बाद भी निकल पाए, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, मैं शब्दों के वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। और सफल रेस्क्यू पर भगवान भोलेनाथ की कृपा जाहिर करते हुए खुशी जताई और वहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों से फोन पर बात करके उनको बधाई और उनकी सराहना की। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं, एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है, आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश के प्रधानमंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट ले रहे हों। यहां तक कि पीएम मोदी ने कहा कि श्रमिकों को रेस्क्यू कार्य में लगे लोगों की भी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद टनल के अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी न होने का ख्याल रखा और जरूरी उपकरणों के साथ NDRF, SDRF समेत डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा। देखा कि बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था, और कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मजदूर भाइयों को सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की परेशानी उसके अंदर आ जाती थी, समस्या खड़ी हो जाती थी। पहले दिन जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लगा कि ये मलबा जो है JCB और पॉकलैंड से आसानी से हटा लेंगे, और जितना हटाते थे मलबा उससे ज़्यादा ऊपर से आना शुरू हो जाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो, और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सब का प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीज़ें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया, उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौकनाथ की भी बड़ी कृपा रही, उनकी कृपा से ये अभियान सफल हो पाया।
रेस्क्यू ऑपरेशन में कार्य कर रहे सभी लोगों के साथ हमारे देश के जवानों ने भी इस रेस्क्यू अभियान में अहम योगदान दिया। हम 125 करोड़ भारतीय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में हमें ऐसे किसी आपदा का सामना न करना पड़े, लेकिन अगर ऐसा कोई अनहोनी होती है तो हमारा देश पूरी तरह से किसी भी तरह की चुनौतियों से निपटने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।